जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और सुंदर पिचाई, चारों में एक कॉमन चीज क्या है? भी यही नहीं कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अ कॉमन थिंग बिटवीन ऑल ऑफ देम इज दैट ये चारों के चारों बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। जेफ बेजोस ने ये कहा था कि आई ओन The Kindle company, not for customers, but for myself. Bill Gates ने भी ये कहा था कि जब भी उसकी बेटियाँ उससे मोबाइल मांगेंगे तो वो सबसे पहले उन्हें हाथ में बुक्स देना चाहेगा। Elon Musk, उसने ये कहा है कि the secret behind everything I have is just बुक्स। ये सब सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि बुक्स इम्पॉर्टेंट है? अगर बुक्स और बुक्स रीडिंग इम्पॉर्टेंट अभी भी आपको नहीं लगता तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आप बुक्स रीड करना शुरू कर देंगे। मैं हूँ आगम जैन और आज मैं बात करने वाला हूँ बुक्स रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज अ बुक रीडिंग? तो मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहूँगा। 1600 तक, 16th और 17th सेंचुरी में जापान के ऊपर ब्रिटेन और डच कंट्रीज रूल करती थी। जापान अपने कंट्रोल में नहीं था, जापान ब्रिटेन और डच कंट्री के कंट्रोल में था। और फ्रीडम मिलने के बाद भी जापान का लिटरेसी रेट 3% से कम था। मतलब जापान में जितने भी लोग थे उसमें से 3% लोग ही पढ़े लिखे थे। और ये बहुत टाइम तक चला था, जापान में ऐसा ही रहा था। एक बंदे ने, एक हाई पोस्ट के ऑफिसर ने जापान के सब लोगों को बुक्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जापान का हर एक सिटीजन बुक्स पढ़ने लगा और सिर्फ 60 इयर्स में 1913 में जापान वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया था। ओनली इन 60 इयर्स। और सुपर पावर बनने के बाद वो जापान कंट्री इतना पावरफुल हो गया था कि जापान कंट्री अकेला वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में अमेरिका और ब्रिटेन की कंट्रीज के सामने डट कर खड़ा था। और इसके बाद वापस एक और ब्लो आया जिसने जापान को हिला दे रख दिया था। वो था हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराने वाला। यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करने के लिए, जापान को अपने घुटने टिकाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो जापान के बहुत बड़े सिटीज़ में बॉम्ब गिरा दिया था, जिसके वजह से जापान में बहुत सारे लोग की मौत हो गई थी और जापान पूरा हिल गया था, पूरा जापानीज फाउंडेशन हिल गया था। और जापान वापस से जैसे वो 100 साल पहले था, गरीब था और सुपर पावर से बिल्कुल ही चेंज हो गया था। पूरी सिचुएशन जापान में अलग हो गई थी और वापस से लोगों ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। ये सेकेंड ब्लो जो था वो 1940 से 1950 के बीच में था। और आज के टाइम में जापान वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। जापान की टेक्नोलॉजी को प्रेस करने वाले कंपनीज में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। जापान के पास आज मिलिट्री नहीं है पर फिर भी जापान एवरीडे आगे बढ़ता जाता है। जापान इतना सक्सेसफुल जो आज है और जो बॉम्ब गिरने के पहले था, वर्ल्ड वॉर के पहले, वो मेरे हिसाब से सिर्फ बुक्स एंड बुक्स रीडिंग है। जापान पहली बार तो सुपर पावर बन गया
और इस बार वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिनड है, जापान के लोगों में इतना ज़्यादा नॉलेज है और उनकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास हो गई है, और जापान में लिटरेसी रेट 95% से भी ज़्यादा है, और जापान में सिर्फ 5% से भी कम लोग ही पढ़े लिखे नहीं हैं। जापान आज वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है, और ये सब का श्रेय बुक्स रीडिंग को जाता है। आज के टाइम में भी जापान में लोग गरीबों को दान में पैसा नहीं देते, उन्हें बुक देते हैं। और अगर कोई गरीब बुक पढ़ के अगर बुक स्टोर में जाता है, तो जापान में ये रूल है कि अगर वो अनपढ़ या गरीब हो तो उसे बुक्स पे 75-90% का डिस्काउंट मिलता है। इसी वजह से जापान इतना पढ़ा लिखा है, इतना एडवांस्ड है और इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। वहाँ के लोग वर्ल्ड में मोस्ट डिसिप्लिन लोग हैं। जापान में बहुत बार फ्लड्स और अर्थक्वेक आते रहते हैं, और एक और बार बहुत मैसिव फ्लड आया था, और वो टाइम पे जापान के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था। बट वो टाइम पर भी जब बाकी कंट्रीज जापान को खाना प्रोवाइड कर रही थी, तो उन्होंने ये नोट किया कि लोग जो है वो अपने या अपने परिवार के लिए खाना नहीं ले रहे थे, वो खाना ले रहे थे ताकि जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत हो वो उन्हें पहले दे पाए। जापान के लोग वो आज के टाइम पे इसलिए मोस्ट डिसिप्लिन्ड पीपल ऑन अर्थ बोले जाते हैं, और इसका सारा श्रेय जाता है बुक्स रीडिंग को। ये बुक्स रीडिंग के वजह से जापान को जो बेनिफिट हुआ है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा हुआ है, वो तो ऑल ओवर कंट्री के लिए है, बट बुक्स रीडिंग से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? बुक्स रीडिंग से आपकी आईज की हेल्थ बेटर हो सकती है। अब जब भी आप आई चेकअप के लिए जाओगे, जिन्हें चश्मे हैं उन्हें ये पता रहेगा कि डॉक्टर आईज की मूवमेंट के लिए एक्सरसाइज देते हैं। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि जितनी एक्सरसाइज जो आँख की है वो इफेक्टिव है, उतनी ही बुक्स रीडिंग के टाइम पे जो आपकी आईज होवर करती है वो भी उतनी ही इफेक्टिव है। आप बुक्स रीडिंग से ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियसनेस आपको बुक रीडिंग पे होती मिलती है। बुक रीडिंग से आप अपने आप को जान सकते हो। अगर वो बुक किसी और ऑथर ने भी लिखी है, किसी डिफरेंट जॉनरा पे बेस्ड है, फिर भी आप अपने आप को जान सकते हो। वो कैसे? अगर आप आज एक टॉपिक रीड करते हो और आपको वो टॉपिक गलत भी लगता है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उस टॉपिक के बारे में सोचते रहेंगे, आप उस टॉपिक पे अपने खुद के थॉट्स भी डालेंगे, और उसी से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए बुक रीडिंग के थ्रू आप अपने आप को जान सकते हो। ये तो वीडियो हो गया जिसमें मैंने बुक रीडिंग के फ़ायदे के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे बुक्स दिखाने वाला हूँ आपके लिए, जो आप एज अ बिगिनर रीड कर सकते हो और वो बुक्स आपका माइंड ब्लो कर देगी। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप कमेंट करें आपकी फेवरेट बुक्स के बारे में, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ आगम जैन साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।